क्राउन ब्रश होती है, फ्लफी ब्रश होती है, इसकी कई तरह की ब्रश होती है, बट आप लोगों को अभी पता नहीं है। नॉर्मल बता रहे फ्लफी ब्रश है आईज के लिए, इसको बिल्कुल यहाँ से पकड़ के कभी मेकअप नहीं करना कभी भी, क्योंकि जो भी आप आई शैडो उठाओगे उसमें क्या होगा, जहाँ जैसे जो भी चीज़ लगाओगे वो वहीं पे रह जाएगी, जो भी प्रोडक्ट आपने लगाया है हमेशा ऐसे करके तब लगाना है, ऐसे लगाना ताकि अगर आप आईज पे लगा रहे हो डायरेक्ट वहीं पे ना लगे। तो आप ये क्राउन एरिया, क्राउन यहाँ होता है इसका सेंटर आईब्रो का, इसको उठा के ये चीज़ इसको ऐसे खींचना होता है, ऐसे ही आपने ऐसे यहाँ से खींचो, यहाँ से टेप लगी हुई है एक, यहाँ से खींचो, लास्ट में आईब्रो के ये चीज़ है यहाँ पे ब्रश रखोगे, इसको ऐसे यहीं से घुमाना शुरू करोगे, ठीक है, और राउंड राउंड करते करते हल्का उसको सेव दे देने, बिल्कुल बेस वाले कलर से, नॉर्मल जो स्किन टोन के अनुसार है, जो ड्रेस डाल रखी है उसका बिल्कुल लाइट शेड वाले, ठीक है। राउंड में ऊपर तक इन्होंने ग्रे डाल रखी है, हम इसका लास्ट में ग्रे टोन कर देंगे, ये देखो ऐसे, बिल्कुल भी ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगा, आप बार बार उसको करते रहो ग्रे टोन आ जाएगी, जैसे इनका व्हाइट बेस है, व्हाइट कलर का है, करना है ऐसे ये पूरा, सबको पता लग रहा है, सबको दिख रहा है, हल्की हल्की आप स्पार्कल दे सकते हो पूरे में, अच्छा लगता है। नॉर्मल बेसिक आईज का मेकअप ऐसे होता है, अगर ब्राइड का उठा के चलते हैं तो बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। आपके ये जैसे कई लेडीज को बच्चियों को स्पार्कल का होता है, हमेशा स्पार्कल ऐसे लगाना चाहिए ब्रश वगैरह से, कहीं टैप करके ऐसे, अच्छा ठीक है। इसके बाद आप आईलाइनर लगा सकते, फाउंडेशन लगाते हैं, कंसीलर लगाते हैं, यहाँ पे टैप टैप करते हैं तो काम। इसके साथ आपको कभी हाथ से फाउंडेशन ऐसे नहीं लगाना चाहिए, ऐसे नहीं लगाना चाहिए, कईयों को आपने देखा भी होगा अलग से वाइट दिखता है, इससे अगर आप करते हो बिल्कुल पानी में ऐसे करके पूरा भिगो के उसको ऐसे पूरा दबा के पूरा पानी निकाल लो, फाउंडेशन लगाओ हल्का हल्का, आप लोग सब शादियों में जाते हो लगाया ऐसे करके और कहीं नहीं दिखेगा फाउंडेशन, उतरेगा भी नहीं, वाटर प्रूफ सभी फाउंडेशन, चाहे आप 2 रुपए का ले रहे हो चाहे 100 रुपए का ले रहे हो, सभी वाटर प्रूफ होते हैं। तो आपने पानी के साथ मिलके फिर काम करना है, इसमें रखना पानी, बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिल्कुल गीला भी नहीं रखना, ठीक है, बिल्कुल हल्के से काम करना है, ये भी नहीं ऐसे ऐसे करके वो सारा उतार लेगा, हम इसके अंदर आ जाएगा, हमने बिल्कुल प्यार से काम करना है, ठीक है। इसके बाद हमने आईलाइनर, हमेशा राइट साइड खड़े होके आईलाइनर कुछ भी काम करते हो, पूरा मेकअप करते हो इसी साइड, इसमें देखो बेटा मेरे को, हम इसको हटा भी सकते हैं, ये देखो विंग बन गई, कितनी अच्छी सेफ आ गई, हम इसी पे ऐसे यहाँ से उठाया लाइनर, पतले यहाँ से थोड़ा सा किया, कलर टोन जो भी उसने पहन रखी है वो चीज उठाई, हल्का सा लेना बिल्कुल, एक ही जगह पर प्रोडक्ट नहीं रखना, हमने बिल्कुल राउंड राउंड करके ऐसे उसको मर्ज करना है, अगर तुम ऐसे कलर की तरह भरोगे ना तो वो गंदा दिखता है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने मुक्का मार रखा हो, ऐसे लगता है। इसमें आईज बंद करना है, कहीं लग रहा है मतलब कहीं भी नहीं लगेगा, अगर आप एक जगह से काम राउंड राउंड शेप में करके चलोगे, इस चीज़ को ऐसे खींच के
ऐसे ऐसे करके चलोगे तो अच्छी सेफ आएगी, अच्छी तरह मर्ज हो जाएगा, अलग से पाउडर नहीं दिखेगा। इतना सारा कुछ बेस देने के बाद हम इतने एरिए में फाउंडेशन लगाते हैं, हाफ एरिए में, ठीक है। उसमें थोड़ी आइस पर ना थोड़ी सी उसमें हम क्या लगा के फाउंडेशन लगा के क्रीज को बनाते हैं, फिर दिखता है वो उभरा हुआ ये वाला हिस्सा, फिर आई शेडो से काम कर, ठीक है। फाउंडेशन लगाना बहुत जरूरी है। हम क्लींजिंग मिल्क से भी उतार सकते हैं, घर में सबके मिलेगा क्लींजिंग मिल्क। आई जो हम इनका काजल नहीं निकाल लेंगे, बंद कर बिल्कुल प्यार से, क्योंकि आई एरिया होता है बिल्कुल प्यार से काम करना होता है। दूसरा और तो रहने तो मैं इसी से हमने ऐसे ऐसे करके नहीं होता ना, पूरा ब्लैक हो जाएगा, बिल्कुल प्यार से धीरे धीरे सारा एरिया आराम से उतारना, ठीक है। उसको पता भी नहीं लग रहा होगा, नहीं पता लग रहा ना, कोई पेन भी नहीं हो रहा ना, ना कोई इचिंग हो रही कहीं आई जॉब पर। काजल उठ निकालने के लिए बस कुछ नहीं होता उसको, ये सोचा आँख में उंगली नहीं लगेगी, नीचे की तरफ रखो वो चाहे आँख बंद करे